हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रोटीन सलाद बनाने वाले हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। केवल 10 मिनट में यह सलाद बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही हेल्दी है। इसे आप मॉर्निंग मील में ले सकते हैं। इससे बहुत सारा प्रोटीन मिलता है और इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, और वेट लॉस के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। प्रोटीन सलाद बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर काला चना और राजमा ले लिया है, जिन्हें हमने रात भर सोख करके रखा था पानी में, और अब इन्हें हमने अच्छे से वॉश करके ले लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने बारीक कट करके ले लिया है, और एक मीडियम साइज़ का टमाटो हमने कट करके ले लिया है। टमाटो के बीज हमने निकाल लिए हैं, और कुछ धनिया हमने कट करके ले लिया है। मसालों में मैंने यहाँ पर चाट मसाला, काली मिर्च, नमक और लाल मिर्च लिया है, हाफ हाफ टी स्पून लेना है। और यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी लिया है। अगर आपके पास ग्रीन चटनी नहीं है तो आप लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक कुकर में 2 ग्लास पानी डाल दिया है, और राजमा और चना को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। लगभग हम 4 से 5 सीटी लगाकर इन्हें बॉईल करेंगे। और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर नमक ले लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। चार से पांच सीटी लगाने के बाद हमारे यह राजमा और चना अच्छे से पक गए हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़े कच्चे रह गए हैं तो उन्हें फिर से आप 1 या 2 सीटी और लगवा सकते हैं। इन्हें कच्चा बिल्कुल नहीं लेना है, अच्छे से पकने देना है। राजमा और चना को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, और हमने यहाँ पर अब एक बॉल ले लिया है, जिसमें हम राजमा और चना ऐड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब हम इसमें कटा हुआ ऑनियन ऐड कर रहे हैं, जिन्हें हमने बारीक कट करके ले लिया था, और बारीक कटा हुआ टमाटो भी हम ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा हम धनिया डाल रहे हैं। अब जो सारे मसाले हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें कुकुम्बर भी बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अब इसमें हम मेन इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, जो है ग्रीन चटनी, जिससे इस सलाद का स्वाद दोगुना हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच ग्रीन चटनी ऐड कर रहे हैं। अब इस सलाद को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा यह सलाद बनकर रेडी है। आप इन्हें घर पर बनाइए और इन्जॉय कीजिए, और अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।